नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं साई इंटरनेशनल स्कूल, निकट आरटीओ ऑफिस, मधुली बाजार आजमगढ़, एडमिशन ओपन डार्लिंग सन बेबी स्कूल, तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़, एडमिशन ओपन गोमती ग्रामीण निधि बैंक, निवेश और सिक्योर्ड लोन के लिए संपर्क करें जीडी ग्लोबल स्कूल करतालपुर आजमगढ़, एडमिशन ओपन विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड मातृत्व आईवीएफ सेंटर लचनापुर हीरापट्टी आजमगढ़, वुडन टच भवरनाथ आजमगढ़, मोतीबहल डिलक्स रेस्टोरेंट सदावर्ती चौक आजमगढ़, फ्री होम डिलीवरी और होटल पार्क ग्रीन सिधारी आजमगढ़। मंगलवार को वेस्ली इंटर कॉलेज में मिलेट योजना को बढ़ावा देने के लिए मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में मोटे अनाज से तरह तरह के व्यंजन बनाए गए और उनकी प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कमिश्नर मनीष चौहान, डीएम विशाल भारद्वाज और एसपी अनुराग आर उपस्थित रहे। मिलेट योजना, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अन्न नाम दिया है, उनमें ज्वार, बाजरा, रागी, कंगनी, कोदो, चीना, सावा और कुटकी आदि आते हैं। जिले की जनता को मोटे अनाज के उपयोग के फायदे के बारे में बताने के लिए अभियान चलाया जाएगा। आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर मनीष चौहान ने कहा कि प्रदेश में मिलेट योजना लागू हो गई। इसके अंतर्गत योजना को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके साथ ही इसकी मांग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। जिले के वेस्ली कॉलेज में लगी इस प्रदर्शनी में जिले के बड़ी संख्या में रेस्टोरेंट व्यापारी तरह तरह के व्यंजन लेकर आए। इससे बाजार में मांग बढ़ेगी, जिसका फायदा आने वाले समय में किसानों को मिलेगा। कमिश्नर मनीष चौहान ने जिले की जनता से इसे अपने खानपान में शामिल करने की अपील भी की। यह एक सुपर फूड है, इसमें कई पौष्टिक तत्व हैं। आज के कार्यक्रम में किसानों को मिनी किट दी जाएगी और किसानों को इस बारे में प्रशिक्षित भी किया जाएगा, जिससे किसानों को इसका फायदा मिल सके। इस कार्यक्रम में जिले की बड़ी संख्या में व्यापारियों की सहभागिता रही। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश मिलेट रिवाइवल योजना लागू की गई है, जिसके अंतर्गत कि जो मिलेट्स हैं उनकी खेती को कैसे बढ़ावा दिया जाए और कैसे बाजार में उसकी मांग को पैदा किया जाए, इसके लिए हर स्तर पर प्रयास होंगे। और आप सभी जानते हैं कि मिलेट्स स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है और इसको यदि हम दैनिक खानपान की आदत में सम्मिलित करें तो इससे हमारे स्वास्थ्य को तो फ़ायदा होगा ही, साथ ही बाज़ार में इसकी मांग भी पैदा होगी, जिससे किसानों को इसके अच्छे दाम मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको लगाने की तरफ प्रेरित होंगे। तो आज उसी को लेकर यहाँ पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और इसमें कई यहाँ के रेस्टोरेंट्स और मिठाई के जो है व्यापारी, उन्होंने अपनी यहाँ पर स्टॉल लगाई है और उन्होंने कई प्रकार के व्यंजन इसके बनाए जो कि काफ़ी स्वादिष्ट है। तो मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस मेले का लाभ उठाएँ, इसके व्यंजनों को चखें और इसको दैनिक खान पान की अपनी आदत में सम्मिलित करें। माननीय पीएम जी का अनुश्री योजना है, इसमें शामिल किया गया। इसको श्री अन्न का नाम दिया गया है, जो मिलेट्स है इन सबको श्री अन्न के नाम से हम पुकारें, ताकि नहीं तो हम लोग क्या इसको मोटा अनाज बोलते हैं तो वो कहने से लोगों को थोड़ा सा एक उतना अच्छा संदेश नहीं जाता। तो श्री अन्न के नाम से, क्योंकि ये सब सुपर फूड है, इसमें कई प्रकार के जो पौष्टिक तत्व हैं वो भी इसके माध्यम से हम लोगों को मिलते हैं, तो श्री अन्न का नाम दिया गया। ये तो इसमें किसानों को मिनी किट दिए जाएंगे, साथ ही किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और रेस्टोरेंट्स और इनके मेन्यू में भी इसके जो व्यंजन है उनको सम्मिलित किया जाएगा, जिससे मांग बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा 16 अप्रैल से आरंभ हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा परीक्षाओं की तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। मंगलवार को शहर क्षेत्र के अधिकांश विद्यालयों में प्रश्न पत्र वितरित कर दिए गए। बुधवार को देहात क्षेत्र के विद्यालयों में प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। नवागत DIOS सुधीर कुमार ने बताया कि प्रश्न पत्रों को सुरक्षित और लॉक में रखना विद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न पत्र के साथ छेड़छाड़ होती है तो विद्यालय संचालक पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं के लिए कॉपियों का वितरण भी शुरू हो चुका है। जो विद्यालय अभी तक कॉपी नहीं ले पाए हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षा शुरू होने से पूर्व विद्यालय संचालकों को सभी आवश्यक तैयारियां पूरी करनी होंगी। पेयजल, शौचालय जैसी सुविधाएं भी पूरी करनी होंगी। यदि ये सुविधा निरीक्षण के दौरान नहीं मिलती तो कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शिबली नेशनल इंटर कॉलेज से प्रश्न पत्र व GGIC से कॉपियों का वितरण शुरू करा दिया गया है। हमारे सभी 336 सेंटरों के लिए 20 बसों से प्रश्न पत्र रवाना हो रहे हैं। पुलिस की व्यवस्था में जाएगा, एक बस के साथ में रहेंगे। क्या व्यवस्था है? सब पुलिस, प्रत्येक गाड़ी में 2 पुलिसकर्मी रहेंगे और साथ में एक मजिस्ट्रेट की गाड़ी रहेगी जो लेके जाएगी।
पेपर ना हो तो इसकी क्या व्यवस्था है? पेपर आउट ना हो उसके लिए तमाम गोपनीय व्यवस्थाएँ हैं, मतलब जो पूरे प्रदेश में व्यवस्था हो यहाँ पर ये व्यवस्था है। पेपर आउट कैसे हो पाएगा भाई, यहाँ से सुरक्षा में आया सुरक्षा में जा रहा है, वहाँ पे भी पुलिस तैनात है सेंटरों पे जहाँ पे कंट्रोल रूम में रखी जाएगी, लाकर में पुलिस सुरक्षा में रहेगी। जिले में बीते साल अगस्त में गिरफ्तार आतंकी सबाउद्दीन आजमी का साथी सोमवार को पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुबारकपुर थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार युवक अबू उसामा आतंकी सबाउद्दीन के संपर्क में था, उसका संबंधित धाराओं में चालान कर दिया, उससे एटीएफ पूछताछ कर सकती है। यूपी एटीएस ने कुछ माह पूर्व मुबारकपुर कस्बा के अमीलो निवासी सबाउद्दीन उर्फ सबाऊ को घर पर ही दबिश देकर गिरफ्तार किया था। उसके साथ कुछ और युवकों को भी एटीएस ने उठाया था जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। सबाउद्दीन के तार आतंकी गतिविधियों से जुड़े होने की एटीएस ने पुष्टि करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया था। तब एटीएस द्वारा सबाऊ के साथ ही उसामा को छोड़ दिया गया, लेकिन जनपद पुलिस उसामा का सबाऊ के साथ संपर्क की पुष्टि की कवायद में जुटी रही। मुबारकपुर थाना पुलिस की जांच में उसामा का संबंध आतंकी सबाऊ से होने की पुष्टि हुई। उसके बाद मुबारकपुर पुलिस ने सोमवार को अबू उसामा पुत्र मोहम्मद असलम निवासी अमिलो को उसके घर से ही गिरफ्तार कर चालान कर दिया। आजमगढ़ एसपी अनुराग आर ने इसकी पुष्टि की है, बताया कि आतंकी सबाउद्दीन आजमी के साथ ही अबू उसामा को उसके घर से गिरफ्तार किया गया, सीआरपीसी की धारा 108 में पाबंद करते हुए चालान कर दिया गया। मुबारकपुर पर अबू उसामा नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी देशद्रोही व राष्ट्रद्रोहात्मक बातों का प्रचार प्रसार करने वाले व्यक्ति के संपर्क में रहने के कारण धारा 108 सीआरपीसी के अंतर्गत की गई है व इसे भारी धनराशि से पाबंद कराया गया है। यह व्यक्ति सबाउद्दीन नाम के व्यक्ति के साथ संपर्क में था जिसकी पूर्व में एटीएस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। पुलिस के द्वारा सबाउद्दीन से संपर्क में रहने वाले अन्य व्यक्तियों की भी तलाश है व शीघ्र ही उनको गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आजमगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा जिले के व्याप्त शैक्षिक अनियमितता के खिलाफ मंगलवार को जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। विभाग संगठन मंत्री शिवम पांडे ने कहा कि 16 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लोग आज जो ज्ञापन दे रहे हैं, यदि इसका ठीक प्रकार से पालन होगा तो जिले की शिक्षा व्यवस्था सुधर सकती है। विभाग संयोजक उत्कर्ष ने कहा कि विद्यार्थी हमेशा मेहनत से पढ़ता है, लेकिन परीक्षा के समय मनमाने शुल्क वसूली को लेकर परेशान रहता है। इस दौरान एबीवीपी ने वर्तमान समय में जिले के सभी निजी विद्यालय हर कक्षा में प्रवेश शुल्क ले रहे हैं, जिसे तत्काल रूप से रोका जाए। शिक्षा के अधिकार के तहत आर्थिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़े हुए विद्यार्थियों को प्रत्येक कक्षा में 25% अनुपात में प्रवेश दिया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं ये संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी तथा सार्वजनिक हो। सभी निजी विद्यालयों को अपने सभी प्रकार के शुल्क 60 दिन में पूर्व सार्वजनिक करना है, लेकिन जिले के कोई भी निजी विद्यालय ये कार्य नहीं कर रहे, जिसको तत्काल प्रभाव से संज्ञान में लिया जाए। कोई भी निजी विद्यालय 5 वर्षों तक ड्रेस कोड नहीं बदल सकता, लेकिन 1 वर्ष में ही हाउस के ड्रेस का कलर बदलकर अतिरिक्त शुल्क का भार अभिभावकों को दिया जा रहा है। वैकल्पिक शुल्क बस बोर्डिंग मेस टूर कार्यक्रम विद्यालय बिना विद्यार्थी की इच्छा से ही नहीं ले सकता, लेकिन इसको जिले के सभी निजी विद्यालय अनिवार्य रूप से वसूल रहे हैं। प्रवेश के समय शुल्क लेते वक्त शुल्क का समस्त विवरण अभिभावकों को दिया जाए। निजी विद्यालयों को मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रकार की अर्हताएं होती हैं, जिसको वो तत्काल समय में उन मान्यताओं को दिखाकर बाद में उसको समाप्त कर देते हैं, जिसकी समय समय पर जांच होनी चाहिए। प्रत्येक विद्यालय अपनी कक्षाओं में आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक छात्र अनुपात सुनिश्चित करे। प्रवेश परीक्षा फॉर्म के नाम पर निजी विद्यालय 500 रुपए लेकर 1000 रुपए तक वसूली कर रहे हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। विद्यालय की मान्यता हाई स्कूल तक रहने पर भी इंटरमीडिएट तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, जो दूसरे विद्यालयों से परीक्षा फॉर्म भरवाते हैं, जिसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। विद्यालयों के आवागमन वाहनों में सही अनुपात में विद्यार्थियों को आवागमन कराया जाए। मानक के अनुरूप प्राथमिक चिकित्सा किट जिले के किसी भी निजी विद्यालयों में नहीं है। जिला विद्यालय निरीक्षक संबंधित से समन्वय कर शुल्क नियामक समिति का गठन करें। निजी विद्यालयों में व्याप्त अनियमितताओं के निगरानी के लिए जिला प्रशासन की एक निगरानी समिति होनी चाहिए, जो समय समय पर इन समस्त गतिविधियों पर ध्यान रख सके। प्रारंभिक कक्षाओं में आरटीआई एक्ट 2009 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रवेश हेतु किसी भी प्रकार की परीक्षा तथा साक्षात्कार न लिया जाए। शहरी तथा ग्रामीण और गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद कराकर उसमें पंजीकृत छात्रों को नजदीक के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में समायोजित करने की मांग रखी गई।
जनपद में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड द्वारा आयोजित मंडल स्तरीय खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ जिलाधिकारी द्वारा अम्बेडकर पार्क कलेक्ट्रेट के सामने में किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा खादी बोर्ड द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री रोजगार योजना एवं मुख्यमंत्री मला रोजगार योजना के लाभों के बारे में बताते हुए सम्मानित जनता को इन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही ग्राम उद्योग इकाइयों द्वारा उत्पादित सामानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने एवं जनमानस के बीच विज्ञापन एवं प्रचार कराने के उद्देश्य से खादी बोर्ड प्रदर्शनी लगाने का उल्लेख किया गया एवं कहा गया कि जनमानस को इस प्रदर्शनी में अधिक से अधिक ग्राम उद्योग उत्पाद खरीदना चाहिए ताकि इसका ग्रामीण लाभ जनता। जिला ग्राम उद्योग अधिकारी आजमगढ़ द्वारा बताया गया कि इस प्रदर्शनों में सूती खादी, खादी रेशम, खादी पोली, खादी रेडीमेड वस्त्र लेडीज और जेंट्स हर्बल उत्पाद, अचार, मुरब्बे, कॉस्मेटिक्स एवं जूते आदि के स्टॉल लगाए गए। साथ ही खादी वस्त्रों पर विशेष छूट भी उपलब्ध है। इस मौके पर एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र, ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा, पवन कुमार श्रीवास्तव, जिला उद्योग अधिकारी संजय पांडे, अखिलेश सिंह अध्यक्ष खादी संस्था फेडरेशन सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। प्रदर्शनी में आगामी 22 फरवरी तक चलेगी। खादी ग्राम उद्योग की प्रदर्शनी आजमगढ़ में स्थापित यहाँ पे लगाई गई, मंडलीय प्रदर्शनी है ये और आगामी 10 दिनों तक चलेगी और पूरे भारत से विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान और वहाँ से मतलब जम्मू एंड कश्मीर से यहाँ पर लोग आए हैं अपने खादी के जो उत्पाद हैं यहाँ पर उनका प्रदर्शन भी कर रहे हैं और यहाँ पर उनका सेल भी कर रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्थाएं हैं, ग्राम उद्योगी इकाइयाँ हैं, वो अपने उत्पादों का विपणन कर सके, प्रदर्शन कर सके, जिससे उनका प्रचार प्रसार हो सके। और ये दूर दूर से आई हुई है, ये मंडल स्तरीय है, यहाँ पे आप कश्मीर की भी उत्पाद पाएंगे, राजस्थान के भी प्रोडक्ट पाएंगे, उत्तराखंड से भी हमारी खादी की संस्थाएं आई हैं। और जनता से यही निवेदन है, लोगों से, कि अधिक से अधिक संख्या में आएं और हमारे खादी की संस्थाओं का सामान जरूर खरीदें, जिससे कि देश की प्रगति में भी वो भागीदार बने और देश की उन्नति में भागीदार। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में सोमवार की देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विकास संबंधी प्राथमिकता कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि लघु सिंचाई विभाग द्वारा कराए गए बोरिंग का भुगतान व नहरों में तेल तक पानी पहुंचाने की सत्यापन रिपोर्ट अधिकारी तत्काल प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि फसलों की सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख सचिव सिंचाई को पत्र प्रेषित किया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि निराश्रित गोवंश को संरक्षित करने के लिए सहभागिता योजना में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संख्या में वृद्धि की जाए। उन्होंने कहा कि पशुओं की जियो टैगिंग एवं शत प्रतिशत टीकाकरण का कार्य सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गौशाला में हरे चारे की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने आयुष्मान गोल्डन कार्ड की समीक्षा करते हुए कहा कि सर्वे कर पात्र लाभार्थियों का गोल्डन कार्ड बनाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक दशा में एक सप्ताह के अंदर सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि FRU को अधिक सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग वर्क एवं प्रोग्राम संबंधित बजट का नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अधूरे शौचालयों को तत्काल पूर्ण करें एवं निर्माण होते ही तत्काल सक्रिय कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि अमृत योजना के अंतर्गत CP के निर्माण में तेजी लाएं एवं FHTC को बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी कराए जा रहे कार्यों का फोटोग्राफ एवं ड्रोन सर्वे कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि IGRS एवं तहसील दिवस पर आने वाले PMJSY के आवेदन की वेटिंग लिस्ट बनाना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने खाद्य एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए राशन आवंटन दुकानों की पेंडेंसी खत्म करें। उन्होंने कहा कि राशन दुकान आवंटन के लिए ग्राम सभा की बैठक सार्वजनिक स्थान पर हो तथा संबंधित थाने को अवश्य सूचित किया जाए। उन्होंने कहा कि पूरी बैठक की वीडियोग्राफी भी कराई जाए। इसी के साथ जिलाधिकारी ने अल्पसंख्यक कल्याण, मत्स्य विभाग, कन्या सुमंगला योजना, जल निगम, दुग्ध समितियां, गन्ना भुगतान, कायाकल्प योजना, उद्योग विभाग, श्रम विभाग एवं आगामी सीजन में वृक्षारोपण किए जाने की समीक्षा की। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह, जिला वन अधिकारी एवं समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट RTO ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़ ICSE बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज पूरे सिटी में वाहन की सुविधा एडिशनल ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लास 9 एंड 11
साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे निकट आरटीओ ऑफिस भदली बाजार आजमगढ़। डेरिन सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स स्मार्ट क्लास अवेलेबल। साइंस कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी। इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। एक्सपीरियंस टीचर्स मॉनिटरिंग विद सीसीटीवी कैमरा। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। गिव योर चाइल्ड ए क्वालिटी एजुकेशन। डेलिम सनबीम स्कूल तिवारीपुर मऊ रोड आजमगढ़। कोई भी व्यक्ति या संस्था रातों रात प्रसिद्ध नहीं हो सकती, इसके लिए सतत प्रयास और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। अपनी इसी जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी और लगन से कई सालों से निभा रहा है यूपी आजमगढ़ की लच्छी रामपुर हीरा पट्टी इलाके में संचालित बेस्ट हेल्थ फैसिलिटीज देने वाला विजय सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और इसका सबसे बड़ा श्रेय और धन्यवाद जाता है हड्डी एवं नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आर बी त्रिपाठी को। इसके अलावा हड्डी जोड़ और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष त्रिपाठी भी सालों से जिले के जो को बेस्ट इलाज मुहैया करा रहे हैं। हॉस्पिटल में निसंतानों को संतान सुख देने के लिए आईवीएफ डिपार्टमेंट को संभाल रही हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रजनी तिवारी। अस्पताल में हड्डी से जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बेस्ट अनुभवी डॉक्टर्स मौजूद हैं। मोती महल डीलक्स सेंट्रल बैंक बिल्डिंग सरावर्ती चौक आजमगढ़। साउथ इंडियन डिशेज अवेलेबल। 7 टाइप्स ऑफ डोसा, छोले भटूरे, बर्गर, पास्ता, रैप्स एंड रोल्स, मटका बिरयानी, फ्री तंदूरी ब्रेड्स इन लंच आर। We are available for kitty, birthday, anniversary, corporate party, farewell party and outdoor catering. Free home delivery. Matka Biryani has started, starting Champaran very soon. Valet parking available. Moti Mahal Deluxe Central Bank Building, Sadavarti Chowk, Azamgarh. Wooden Touch भवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, पीवीसी डोर, फोर माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए चार चांद, पहुँचिए Wooden Touch भवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक एसी एंड नॉन एसी रूम्स। 24 आवर रूम सर्विस। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए चार चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़।